निकल चुके हैं एमजी मार्ग में, हम लोग भूख लगी हुई थी पहले से ही, तो कुछ मोमोज वगैरह ट्राई किया गया तो अपना अंडरस्टैंडिंग फील नहीं हुआ कि मोमोज कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी आया गया एमजी मार्ग पे पिज्जा हट पे, पिज्जा खाया गया क्योंकि भूख लग गई थी, विक्की को भी हमको भी सबको भूख लग गई थी ऑलरेडी, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं थे उतना हैवी। तो फिर अब वहाँ से हम लोग पिज्जा उज्जा खा लिए और हम लोग का गैंगटोक का राउंड साइट सीइंग कम्प्लीट हो गया। सात से आठ पॉइंट मैंने हम लोगों ने घूमा और एक दो पॉइंट हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आप लोग वीडियो में देखेंगे अभी पीछे, मतलब आपको दिखाया जाएगा कि कौन से हम लोग घूमे गए कौन से नहीं घूमे हैं, आप लोग पीछे वीडियो में देख सकते हैं। और अभी हम लोग मतलब टैक्सी लिए हैं यहाँ पे। टैक्सी क्या है कि ऐसे ऑटो वाली टैक्सी हम लोग की जैसे यूपी बिहार में चलती है वैसे यहाँ नहीं चलती है। यहाँ पे है कि अल्टो है, वैगनार है, ये सब टैक्सियाँ चलती हैं और आपको एक साइड पे खड़े होना पड़ता है, लाइन लगता है, उसके बाद टैक्सी आएगी आपको बैठाएगी, आपको जाना होगा। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट यह है कि हम लोग गाड़ी खड़ी कर देंगे तो सही रहेगा, गाड़ी अपनी गाड़ी से यहाँ पे शहर में घूमना तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग यहाँ से गैंगटोक से निकल दिए हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी उठाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग का आगे का क्या प्लान है देखिए क्या होता है कैसे होता है, फिर हम आप लोग को एक्सप्लेन किया जाएगा अभी के लिए। तो दोस्तों गाड़ी जो है फिलहाल 50 रुपये जो है वो घंटा है, ना जाने क्या महक रहा है, गैस महक रहा है। अरे यार तो उसको करना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो पहले उतरना पड़ती है, चढ़ा दो। ₹50 घंटा। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग गैंगटोक से निकल दिए हैं लगभग 4:15 के आसपास, अभी बज रहे हैं 5 के आसपास, 4:55। हम लोग आ चुके हैं लगभग 20-25 किलोमीटर आगे और सैंगटोन या रम्फू के बीच में है हम लोग। रम्फू यहाँ से 10 किलोमीटर है आप देख सकते हैं और सिल्लीगुड़ी यहाँ से 87 किलोमीटर है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में 87 किलोमीटर सिल्लीगुड़ी है। अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में बारिश मिल गई, मौसम पूरा ठंडा हो चुका है, एसी 1 पॉइंट पे चल रहा है फिर भी ठंडी लग रही है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर कितना लो है और वहाँ पर दिल्ली यूपी बिहार में 50-50 डिग्री 48 डिग्री चल रहा है। तो खैर सही है, पहाड़ भी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। आप देख सकते इतने सारे पेड़ पौधे जंगल वगैरह हैं तो फिर तो टेम्परेचर तो डाउन होना ही होना है, और एल्टीट्यूड का भी मैटर करता ही है। एल्टीट्यूड हम लोग ऊपर हैं तो इस वजह से 5,000-4,000 फीट हमेशा ऊपर चल रहे हैं तो फिर टेम्परेचर। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये पार कर चुके हैं सिक्किम स्टेट। अब हम लोग यहाँ से ऑफिशियली वेस्ट बंगाल में एंटर हो चुके हैं। ये जगह का नाम है रांगपो, इंग्लिश में रांगपो और हिंदी में रम्फू। तो अब यहाँ से सिल्लीगुड़ी की दूरी आप लोग देख सकते हैं 76 किलोमीटर, कोलकाता 662 किलोमीटर है। खैर तो खैर वहाँ तो हमें जाना नहीं है, सिल्लीगुड़ी अभी जाना है। सिल्लीगुड़ी 76 किलोमीटर है यहाँ से और हम लोग ऑफिशियली वेस्ट बंगाल में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ये जो पुल था हम लोग अभी क्रॉस किए हैं वही था, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि वही पुल था, वो बॉर्डर है सिक्किम और वेस्ट बंगाल का। तो फिर आगे चलिए अपडेट करते हैं, अभी तो बारिश रुकी नहीं रही है और टाइम हो रहा है 5:15, अब देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों एक न्यूज़ जो है आपको देना चाहते हैं, ये देखिए ये जो है क्या हो गया, ये देखिए फिर यहाँ पे जो है ये देखिए क्या हो गया, ये जो है सीन हम लोगों के साथ घट चुका है। वीडियो जो है अभी मैं डाल दूंगा और उस वीडियो को देख लीजिए जो है कैसे हुआ है। ये आवाज़ भी आ रहा है यानी कि यहाँ पे लड़ रहा है, ये देखिए ये लड़ रहा है। तो सीन जो है इसलिए आ रहा है। हाँ 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 वो पता है, फेंडर से थोड़ा सा टच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस फेंडर को जो है सही कर दिया जाएगा। बाकी अब इंश्योरेंस में गाड़ी जो है अब जाएगी, इस वजह से प्लान में चेंजिंग हो गया है, अब सिल्लीगुड़ी नहीं रुकना है,
अब देखते हैं कहां तक चल पाते हैं। अब सीधे डायरेक्ट निकलना है और गाड़ी को देना है सर्विस सेंटर मोतिहारी में। तो वीडियो पे बने रहे, इंजॉयमेंट होता रहेगा। लाइक शेयर कमेंट जो है दबा के कीजिए। और अभी जो है बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे, ट्रक से जो है लड़ी है गाड़ी। सबसे बड़ी बात है, कोई और कंपनी की गाड़ी रहती तो हवा में जो है उड़ जाती, जिस हिसाब से हुआ था अंदर। लेकिन टाटा की मजबूती, हैट्स ऑफ। और गाड़ी की स्टेबिलिटी लड़ने के बाद भी जबरदस्त, मजा आ गया। भले ही थोड़ा सा तेल खाती है, थोड़ा सा इंजन में कमी है, लेकिन भाई मजबूती गाड़ी का जबरदस्त है, मजा आ गया। एक आखिरी ट्रिप में एक जो ऐसा काम होना था जो कि यादगार रहे, वो हो गया। चलिए वीडियो पे दबा के लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अभी तक खताशा चल रहा था, अभी थोड़ा सा जो है चाय पी है तो एक्साइटमेंट और जो है जग जाहिर हो गया है। टाटा का जो है बिल्ड क्वालिटी भी जो है चेक हो गया है, बिल्ड क्वालिटी जो है वो कैसा है। और इधर का माल मटेरियल देख ही रहे हैं क्या सीन है। तो आराम आराम से चलेंगे। गाड़ी जो है यहीं लगवा के सिल्लीगुड़ी दोस्तों पहुंच चुके हैं। और गाड़ी का स्थिति जो है इधर से दिख रहा है कि पूरा दबा है सामने से। ये देखिए, आपको भी दिख रहा होगा, इस वाले एरिया फोकस करिए और सामने वहाँ पे दो जगह जो है वो फंस रहा है। और अभी आए हम लोग कुछ खाना खाने, आज कुछ बनाएंगे नहीं, मूड ऑफ हो गया है। तो इसी पे जो है यहीं चल रहे हैं न्यू फूड प्लाजा, तो यहाँ चलते हैं कुछ खाते हैं। और खाने के बाद जो है, ये जो है सिल्लीगुड़ी का इलाका है, ये पूरा जो इलाका है वो सिल्लीगुड़ी का है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या खाएंगे। तो वहाँ पे जो है हम लोग तंदूरी चिकन और दूसरा जो है एकदम बिरयानी, मज़ा नहीं आया। जो स्वाद जो है हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में मिल जाता है, वो स्वाद जो है इंडिया के किसी भी कोने में जो है अभी तक तो नहीं ही मिला है। तो खा पी के जो है फिलहाल निकल रहे हैं मोतिहारी की तरफ। तो मोतिहारी चलते हैं। और मोतिहारी चल के, एक तो यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि सिल्लीगुड़ी में कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, ट्रैफिक लाइट जो है बड़ी दिक्कत करता है। अब हाईवे पे ही जो है ट्रैफिक लाइट लगा दिया गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। चल रहे हैं देख के एकदम सावधानी पूर्वक। तो अभी चलते हैं जिस रास्ते से आए थे, उसी रास्ते से अररिया होते हुए जो है निकलेंगे बिहार की तरफ। तो दोस्तों बारिश में जो है घिरा चुके हैं हम लोग, और समय लगभग हो रहा है 11:35, और देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है बारिश हो रहा है। विजिबिलिटी जो है एकदम, विजिबिलिटी के नाम पे जो है ज़ीरो है, आगे जो है दिख ही नहीं रहा है। ये वाइट स्ट्रिप को जो है हम लोग ले कर चल रहे हैं, मेन टारगेट इसी को जो है ले कर चलना है। अभी तो हम लोग शुरू हुए हैं, अब लग रहा है बिहार में भी जो है झमाझम बारिश हो रहा है, ग्राउंड लेवल जो है क्लियर हो जाएगा। लेवल सबके क्लियर रहने चाहिए, समय समय की बात है। बाकी चल रहे हैं हम लोग मोतिहारी, बाकी गाड़ी जो टिका रहेगा वो सही रहेगा। तो सीन यही है, बाकी चल रहे हैं रास्ते में और इन्जॉयमेंट करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में जो है इंटर कर चुके हैं दोस्तों। ये जो है खुला मैदान जो है आपको दिख रहा है, तो अभी इसी मैदान पे जो है मैदान होके जो है मैं आया हूँ। और समय देख लीजिए 1:20, तो रात के 1:20, गाड़ी जो है यहाँ लगा हुआ है। और मैं जो है पैंट भी जो है बदल लिया हूँ, जैसा कि देख सकते हैं। तो अब यहाँ से जो अपना सफ़र जो है शुरू होता है, अब जो है गाड़ी चलाएंगे गोलू भाई। और इसका हाल तो देख ही रहे हैं, खेला हो गया है, तो इसको ले जाकर जो है देना भी है। तो चलते हैं मोतिहारी, अभी स्टे लेंगे एक जगह और, क्योंकि लगातार गाड़ी नहीं चलाएंगे। अभी चलते हैं कहीं और जो है, या तो देखेंगे किसी पेट्रोल पंप पे, या जैसा भी होगा आपको अपडेट जरूर करेंगे। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग कोसी महासेतु पे दोबारा आ गए हैं। और फोर्ब्सगंज के 12 किलोमीटर पहले रुक गए थे, रात में बारिश हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए चलना मुश्किल था। और फिर लगभग हम लोग 4:40-45 से फिर से चल रहे हैं। और अभी जस्ट कोसी महासेतु क्रॉस कर रहे हैं, जो हमारे पीछे दिख रहा है वो कोसी ब्रिज है। पिछले वीडियो में हमने जैसे बताया था कि ईस्टर्न बिहार को वेस्टर्न बिहार से कनेक्ट करता है, और ये जो नदी है सारोवा बिहार है, बहुत ज़्यादा कोर्स चेंज करती है। तो अभी हम लोग थोड़ा नींद में लग रहे होंगे, क्योंकि सब अभी सो रहे हैं गाड़ी में।
सुबह के बज रहे हैं 7:05 और अभी हम लोग हैं दरभंगा से 10 किलोमीटर पहले और यहाँ पे जो है रुके हुए हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए और बरस भी जो है यहीं कर ले रहे हैं। तो सीन यही है, बाकी ये देख सकते हैं सिचुएशन दिन में जो है मैं आपको दिखा दूँ, यही जो है सिचुएशन चल रहा है, आगे जो है वो जो है धंसी गया है। तो सीन यही है फिलहाल, अभी हम लोग इसी रोड पर हैं और यहाँ से मुजफ्फरपुर में जो है थोड़ा सा कुछ काम है, यहाँ से मुजफ्फरपुर वही 80-85 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो है, तो वहाँ से कुछ चीज़ जो है उठाना है और उस उठा के जो है गाड़ी में लेके चलना है मोतिहारी, फिर मोतिहारी से जो है लेके जाना है गोरखपुर। तो सीन बेसिकली यही है और आपका भाई जो है यहाँ पे है जैसा कि देख सकते हैं। तो चलते हैं, पहले ब्रश व्रश कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपसे मिलते हैं कॉफ़ी के साथ और साथ में बिस्किट खाने का आनंद ही जो है दोस्तों कुछ और है। किसी ट्रिप पर जाएँ तो सुबह सुबह चाय बिस्किट कॉफ़ी बिस्किट जो है पिए, काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ से ये जो है ख़त्म करके और उसके बाद जो है आप सब उसे मिलते हैं और मुजफ्फरपुर में चलते हैं। वहाँ एक काम तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है, हम करते हैं काम करने के बाद जो है निकलते हैं मोतिहारी की तरफ, उस गाड़ी को देना है सर्विस सेंटर काम के लिए। दोस्तों आना था, पेट पूजा भी जो है करना ज़रूरी होता है और इसका मैं जो है प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल मुजफ्फरपुर में जो है पहुँच चुके हैं, अब चलना है मोतिहारी डायरेक्ट, दाबम दाब जो है निकलना है और मोतिहारी के बाद जो है गाड़ी को जो है देना है सर्विस सेंटर में। अब देखते हैं कितने दिन में जो है गाड़ी देगा, अभी घर पे जो है किसी को नहीं बताया और उन लोगों को भी जो है बताना है। तो चलते हैं सर्विस सेंटर डायरेक्ट, इधर सर्विस सेंटर चलते हैं या देखते हैं जैसा भी होगा आपको। मोतीपुर पहुँच चुके हैं दोस्तों और समय हो रहा है 9:30 और यहाँ पर जो है लीची जो है वो लेना है, देखते हैं लीची जो है वो कैसे दे रहा है। जस्ट सामने जो है इस रोड पे चलेंगे तो आपको पेड़ से तोड़ के जो है लीची बेचने के लिए रोड पे जो है वो रखते हैं सब। तो ये देखिए कांटी है, यहाँ से 20 किलोमीटर मुजफ्फरपुर 30 किलोमीटर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहीं पे जो है वो पहुँच चुके हैं, तो चलते हैं पूछते हैं लीची का जो है वो क्या रेट है। और लीची सब चीज़ खींची तो आराम आराम से जो है पुल पार कर लेते हैं, पुल कह रहे हैं रोड पार कर लेते हैं। लीची ही लीची, ये देख सकते हैं लीची, आगे लीची फिर पीछे लीची, सब जगह जो है लीची ही लीची चल रहा है। ये देखिए मुजफ्फरपुर का लीची, मुजफ्फरपुर आए और लीची नहीं खाए तो क्या खाए। तो सीन यही है, लीची पे लीची चल रहा है और लीची जो है यहाँ पे सैकड़े के हिसाब से मिलता है और बाकी जगहों पे जो है किलो के हिसाब से मिलता है। तो सीन जो है यही चल रहा है, पूरा गाड़ी जो है भरा पड़ा है, पूरा गाड़ी जो है भरा पड़ा है, यही सीन है। तो दोस्तों घर जो है वो पहुँच चुके हैं और फाइनली इस वीडियो का, इस सीरीज़ का एंड करना जो है अब समय आ गया है एंड करने का। तो ये सीरीज़ जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जो है दोस्तों ज़रूर बताइएगा और हमारे इनिशिएटिव के हमारे बारे में जो है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पेड़ लगाना जो है काफ़ी कंपलसरी है दोस्तों। अब देख सकते हैं गुवाहाटी में कितना ज़्यादा पेड़ है, इस वजह से जो है गुवाहाटी कह रहे हैं आपको गैंगटॉक हो गया और दार्जिलिंग हो गया, इतना ज़्यादा पेड़ है इस वजह से वहाँ पर जो है थोड़ा ठंडा रहता है। यहाँ पर जो है पेड़ काट काट के जो है घर बनाया जा रहा है, तो दिक्कत का सामना जो है यहाँ करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जो है ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।